जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहु विधि कीन चहे जे कही कथा सुहाई मातु भुजाई जेही प्रकार सुत प्रेम लहे जे जे राम जे जे राम जे जे राम जे जे राम तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरि पद पावही तीन पर ही भव जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियाराम जय जय राम 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 पद रामचंद्र भगवान के जय। कोई पूछे इस देश की मनीषा कौन है, इस देश का विद्वान कौन है, इस देश का प्रेमी कौन है, इस देश का कोई सेवक कौन है, इस देश का सारथी कौन है, कोई पूछे इस देश की मिठास कौन है, तो एक ही नाम निकल के आता है श्री कृष्ण। वो केवल यशोदा का लाल नहीं है, वो कंस का काल है, वो नामदेव का बिठला है, वो शंकराचार्य का ब्रह्म है, वो नानक का नूर है, वो ब्रह्म का आध्यात्म है। सारी जगत में जो फैला हुआ है, जो यदि किसी का पति है तो पूरा पूरा, किसी का साथी है तो पूरा पूरा, किसी का मित्र है तो पूरा पूरा, और युद्ध में किसी का साथ देता है तो पूरा पूरा, जिसका कोई विवाह निर्विवाद नहीं लेकिन वो हुंकार मार के कहता है कि मैं सबका पति हूं, वो भी 16108। कोई वो मित्र है तो पूरा पूरा, और वो जब कोई गरीब मित्र उसके पास पहुंचा तो उसने सारी कायनात उसे दे दी और उसे कहा भी नहीं कि मैंने तुझे क्या सौंप दिया। कोई इष्ट है तो वो पूरा पूरा, जो हुंकार भर के कहता है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। माम एकम शरणम ब्रज दीन बंधु दीनाना मेरी ओर निहारिये हरि, मेरी ओर निहारिये। बस इतना कहना भर है कि वो विचलित हो जाता है। सुदामा को आना नहीं पड़ा उसके यहां, खुद गया उसे बुलाने के लिए। ऐसा पति वो केवल रानियों ने ये सोचा कि हम जेल से बाहर निकलेंगे तो हमें समाज में कोई अपनाएगा नहीं, तो उसने बड़ी विनम्रता से सबको स्वीकार कर लिया। वो द्रौपदी की लाज है, वो गोपांगनाओं का प्रेम है, वो ग्वाल वालों का प्रिय काना है, वो गौओं का गोपाल है। सच मानिए यदि कोई पूछे इस देश का प्राण कौन है, तो एक ही नाम निकल के आवेगा, श्री कृष्ण।
आज मथुरा में कंस का शासन है, बड़ा अत्याचारी है। ऋषि मुनि महापुरुष महात्मा तो डर की वजह से कहीं कहीं छुपे छुपे डोल रहे थे, कोई हरितमा में, कोई गुफाओं में, कहीं छुप के साधनाएं कर रहे थे। उसने कहा मेरी साधना होगी, नन एल्स, नोबडी एल्स, कोई स्वीकार नहीं है मेरे अलावा। और जो यदुवंशी थे, जो उसकी उग्रता से बड़े परेशान थे, वो भी वो शहर छोड़ के चले गए थे, मथुरा को छोड़ के। उसके पांच मित्र हैं, कूट शल तोशल चारण मुष्टिक, अब इनका शासन है। कूट सब में फूट डाल दो, किसी को शांति से मत रहने दो। तू बिहारी, तू नेपाली, तू पंजाबी, तू पंडित, तू बनिया, फूट डाल दो, किसी को मिलके मत रहने दो। सल ऐसे विचार फैला दो कि अगर हम तेरे साथ नहीं होंगे तो तुझे बड़ा त्रास मिलेगा, तू जी नहीं पाएगा, बिना हमारे तेरी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसे विचार फैला दो जो चुवन पैदा कर दें, जो शांत बैठे सन्यासियों को भी आहत कर दें। तोशल झूठे वादे कर दो, हम तेरी रक्षा करेंगे, हम तुझे श्रेष्ठ बना देंगे, हम तेरा भरण पोषण करेंगे, झूठे वादे करके सारी चीजें अपने हाथ में कर लो, झूठे स्वप्न दिखा दो, चारों सीमाएं बना दो, विचार फैला दो कि यहां तक मेरी सीमा है, इसके बाहर तू नहीं जा सकता, स्वतंत्रता खत्म कर दो, अब इस सीमा के बाहर तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा, जाओ अपनी सीमा में अंदर, यहां मत आना, वहां से फिर उन्हें भगा दो, एक जगह लोगों को आपस में तोड़ दो। ऐसे विचार मुस्तिक, कुछ ऐसा जतन कर दो कि सबको मुट्ठी में कर लो, सारी तैयारियां अपनी मुट्ठी में हो, लेकिन आज वो अपनी बहन की शादी कर रहा है, वो बलगाएं लेके उसे खींचने जा रहा है रथ को कि बहन बैठी है। उसी समय आकाशवाणी हुई, और दुष्ट का हृदय तो बड़ा छोटा होता है, हृदय पक्का तो केवल प्रभु आश्रित का ही होता है, जो अपने बल से चलता है बड़ी जल्दी घबरा जाता है, और जो प्रभु के बल से चलता है उसे लगता है कि कोई बात नहीं, ही विल मैनेज, ही विल सी, ही नो एवरी लैंग्वेज, ही विल डिसाइड व्हाट एवर द फ्यूचर, आई हैव नो वरी, मुझे कोई चिंता नहीं है, तुम केवल भागवत सुनो आनंद से, बकाया सब मैं देखूंगा। जो परमात्मा के आश्रित है, और जो अपने आश्रित है, अरे थैला ले गो, झोला ले गो, भगे बच के क्या भाई। जैसी आकाशवाणी हुई, इसका पुत्र तुझे मारेगा, बस उसे लगा कि मैं बच जाऊंगा, यदि मैं कुछ कर लूं तो मैं बच जाऊंगा, रस्सी छोड़ दी, घोड़ा दे मारा, देवकी को नीचे खींच लिया, मारने लगा, तलवार निकाल ली कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा इतना मैं प्रेम से विवाह कर रहा था और तूने ऐसे कर दिया, तेरे गर्भ से मुझे खतरा है,